and Welcome to Hope to Yadav, This is lecture four of economy previous year question series, and currently we are focusing on UPSC prelims 2021 examination. And as you know, that prelims is a game of practice, and we are doing a lot of practice of facts, elimination technique, concept, and common sense through previous year questions. Why previous year questions? That are the window to the UPSC question maker. They will align you direction towards UPSC. This is the relevance of previous year question. Let's solve some of the previous year questions.

इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ हैम्पर नहीं होनी चाहिए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है इनफ्लेशन को दो से छह परसेंट के बीच में रखना है आरबीआई करता कैसे आरबीआई बैंकों के द्वारा जो क्रेडिट दिया जाता है लोगों को उसको कंट्रोल करता है जब बैंकों के द्वारा वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है हेंस लिक्विडिटी इन द मार्केट वो कंट्रोल करता है तो मार्केट मार्केट में कितनी लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल करता है लिक्विडिटी कंट्रोल करके लोगों की डिमांड को कंट्रोल करता है और हेंस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है तो ये पूरा चेन ऑफ रिएक्शन मैंने वहां पर समझाया है लेक्चर नंबर थ्री में तो जिनको समझ नहीं आ रहा है आप एक लेक बार लेक्चर नंबर थ्री पूरा देखिए धैर्य रख के पेशेंस रख के पैंतालीस मिनट का लेक्चर है तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस लगेगा आपका लेकिन उसको देखिए बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है आरबीआई बैंकों के द्वारा जो लोन दिया जाता है क्रेडिट दिया जाता है उसको कंट्रोल करता है हेंस मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है हेंस डिमांड को कंट्रोल करता है एंड हेंस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है ये चीज आपको समझ में आई थी पिछली क्लास में तो आर को मॉनिटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है इस काम को करने के लिए कमेटी का गठन किया गया जिसे हम बोलते हैं पॉलिसी कमेटी भाई मॉनिट्री पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है तो इस चीज के लिए कौन सी कमेटी है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है इसमें छह हैं तीन मेंबर होते हैं आरबीआई के और तीन मेंबर होते हैं गवर्नमेंट के आरबीआई के कौन से तीन मेंबर गवर्नर होता है डेप्यूटी गवर्नर होता है आरबीआई के एक ऑफिशियल होता है ठीक है तीन मेंबर और तीन गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं ये सिक्स मेंबर बॉडी है और ये बॉडी करती क्या है एमपीसी कमेटी करती क्या है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है कैसे कंट्रोल करना है क्रेडिट को कंट्रोल करना है क्या मेथड है क्वालिटेटिव मेथड एंड क्वांटिटेटिव टूल्स तो दो टूल्स है ना आरबीआई के पास क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टूल्स में आपने रेपो रेट पढ़ा होगा रिवर्स रेपो रेट पढ़ा है मैंने पढ़ाया है आपको लेक्चर नंबर थ्री में ये सब क्या है रेपो रेट क्या है आरबीआई का बेंच मार्क इंटरेस्ट रेट रेपो रेट को कंट्रोल करके कैसे आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है ये मैंने आपको वहां पर समझाया है तो ये कमेटी बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करती है तो ये पहला ऑप्शन एकदम ही सही ऑप्शन है पहला ऑप्शन सही है ठीक है? गवर्नर ऑफ आरबीआई का गवर्नर इसको हेड करता है ये चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यहां पर गलत लिखा है तो कौन हेड करता है गवर्नर ऑफ आरबीआई और यहां पर फैसले कैसे लिए जाते हैं डिसीजन कैसे लिए जाते हैं वोटिंग करके तो मान लीजिए चार दो है या आप मान लीजिए पांच एक है छ जीरो है ऐसे वोटिंग होती है लेकिन अगर आपके दिमाग में सवाल होगा कभी तीन तीन हो गया सर तो क्या होगा भाई तीन तीन से टाई हो गया तीन गवर्नर हैं तीन आरबीआई के मेंबर हैं एंड तीन गवर्नमेंट के मेंबर हैं तो हो सकता है छह मेंबर बॉडी में ये टाई की पॉसिबिलिटी हो सकती है तो इस टाई को ब्रेक करने के लिए गवर्नर जो होता है वो सेकेंडरी वोट भी डाल सकता है एक सेकेंड वोट डाल सकता है कास्टिंग वोट जिसे हम कहते हैं ठीक है उस टाई को ब्रेक करने के लिए तो ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं मॉनिटरी में रेलिवेंट तो समझ में आया आपको मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में, के बारे में पता होता, थोड़ा सा के बारे में पता होता, तो सवाल आराम से लग जाता 2017 में पूछा गया था इसका आंसर है अपलोड कर दूंगा होप तुशांत यादव टेलीग्राम चैनल पर इन टू थाउजेंड थर्टीन यूपीएस दिस क्वेश्चन प्रायोरिटी सेक्टर टू होम एग्रीकल्चर एमएसएमई माइक्रो एंड स्म्राइजेस वीकर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है किसको देते हैं किसके लिए बनाई गई है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एग्रीकल्चर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस वीकर सेक्शन या में आप क्या है इसका प्रायोरिटी सेक्टर क्यों लाने की वजह क्या थी ये समझते हैं किसी भी चीज को अगर लाया गया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा तो अगर वो रीजन हम जान लें तो हमने उसका आपको पता होता कॉन्सेप्ट क्या है प्रियोरिटी सेक्टर मैं आपसे दो तीन सवाल पूछता हूं आप उनका जवाब दीजिए और आप एस के मैनेजर हैं जो लोन को अप्रूव करता है ठीक है आप क्या है मैनेजर हैं एसबीआई के आपके पास दो व्यक्ति अप्रोच करते हैं ये एक बिग बिजनेसमैन है ठीक है एक बिग बिजनेसमैन है दूसरा ये छोटा स्मॉल बिजनेस का ओनर है तो ये स्मॉल बिजनेस का ओनर है तो आपके पास दो व्यक्ति अप्रोच किए एक बिग बिजनेसमैन है एक, एक स्मॉल बिजनेसमैन है नाउ दे बोथ रिक्वायर्ड मान लीजिए दस लाख का लोन चाहिए उन्हें और इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज कर रहा है 8% और उनको 1 साल के लिए लोन चाहिए ठीक है तो दोनों को दस लाख का लोन चाहिए एट रेट एट परसेंट पे इंटरेस्ट रेट वो देने के लिए तैयार हैं और एक साल के लिए लोन चाहिए आप एज अ एस बी आई मैनेजर किसको लोन देना प्रेफर करेंगे केवल आपके पास दस लाख रुपए है ना आपके पास केवल दस लाख रुपए हैं और इन दोनों में से केवल आप एक को लोन एक्सटेंड कर सकते हो तो आप अपने दिमाग का यूज करो और मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि किसको लोन दिया जाएगा बिग बिजनेसमैन को या स्मॉल बिजनेस वाले को क्या है इसका आंसर बिग को क्योंकि इनका बिजनेस बड़ा है और वो एक साल के अंदर फेल नहीं, होंगे, है ना? तो ऐसा नहीं होगा तो बिग कैपेसिटी है इन कंपैरिजन टू स्मॉल नहीं कह रहा हूं कि स्मॉल बिजनेसमैन की बिग बिजनेसमैन की कैपेसिटी वापस करने की रिपे करने की लोन ज्यादा है इन कंपेरिजन टू स्मॉल बिजनेस और हमेशा बैंक सेफ साइड चलना चाहेगा वो अपना नॉन परफॉर्मिंग तो बढ़ाना नहीं चाहेगा एनपीए क्या होते हैं ठीक तो हो है, असेट हो जाता है तो अगर आपने इकोनॉमी के लेक्चर देखे फुल कोर्स पढ़ा है आप दो यूनिट हुई हैं उसमें अगर बैंकिंग एंड फाइनेंस वाली यूनिट में जाएंगे आप तो चीज आप समझ पाएंगे मैंने वहां पर बताया पूरे प्यार से नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं तो बैंक एज अ बैंक मैनेजर आप किसको लोन देंगे बिग बिजनेसमैन को लोन देंगे स्मॉल बिजनेस वाले को आप नेग्लेक्ट कर देंगे इसको लोन नहीं देंगे लेकिन इसको भी लोन चाहिए था क्रिएटिविटी प्रोडक्टिविटी परपज के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए लेकिन अब ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा इकोनॉमी में समझ रहे हैं क्या इसका ड्रॉबैक क्या है एक को लोन मिलेगा एक को लोन नहीं मिलेगा तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा सकेगा तो बिग बिजनेसमैन और बड़े होते चले जाएंगे स्मॉल बिजनेस और स्मॉल होते चले जाएंगे या वो ग्रो नहीं कर पाएंगे पहली पहली प्रॉब्लम ये है अच्छा एक दूसरा केस लीजिए आप वही हैं एस के मैनेजर हैं इस समय आपके पास दो लोग अप्रोच करते हैं अब एक स्मॉल बिजनेस का ओनर है ठीक है और दूसरा एक फार्मर है फार्म लॉस रहे रहा है है ये फार्मर मेरा सवाल ये है दोनों को दो लाख रुपए का लोन चाहिए आठ परसेंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है और एक साल के लिए चाहिए आप बताइए एज अ मैनेजर ऑफ एस आप किसको लोन एक्सटेंड करेगा विद द सेम लॉजिक किसको एक्सटेंड करेंगे स्मॉल बिजनेस को फार्मर लोन देने की कैपेसिटी फार्मर के पास कम है तो हो सकता है फार्मर डिफॉल्ट कर जाएगा हो सकता है इन कंपैरिजन की बात हो रही है यहाँ पर तो हो सकता है फार्मर डिफॉल्ट कर जाए फार्मर अगर डिफॉल्ट कर गया तो बैंक का एनपीए बढ़ जाएगा तो सेफ साइड चलने के लिए बैंक एज अ बैंक मैनेजर आप किसको लोन देंगे स्मॉल बिजनेसमैन को तो यहाँ पर फार्मर को लोन नहीं मिलेगा ठीक है तो ए, मेरा कहने का मतलब यह है कि कुछ केस ऐसे केसेस होते हैं कई केसेस ऐसे होते हैं जहां पर किसी ना किसी एक आदमी को उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है उसको लोन एक्सटेंड नहीं करता है बैंक और उसकी वजह से इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम हो पाती है और जीडीपी ग्रोथ कम हो पाती है इसीलिए सरकार ने क्या किया इसीलिए हमने एक प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग बनाई तो आरबीआई ने क्या किया एक प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग बनाई जिसे हम पी कहते हैं सेक्टर लेंडिंग में ने कहा कि बैंक अगर आप सौ रुपए का लोन देते हैं सौ रुपए का लोन अगर एक्सटेंड करते हैं तो उसका फोर्टी परसेंट केवल पी वालों को जाएगा प्रियोरटी सेक्टर लेंडिंग वालों को तो एक बक्सा बना दिया प्रियोरटी सेक्टर लेंडिंग का उसमें कुछ लोगों को रख देंगे तो जितना भी लोन आप एक्सटेंड करते हैं उसका फोर्टी केवल प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग वालों को ही जाना चाहिए वो लोन आप किसी और को दे ही नहीं सकते समझ ऑब्लिगेशन तो कर दिया क्यों देखिए कर तो करने के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कांसेप्ट लाया ताकि जिनको लोन नहीं मिल पा रहा ना तो बैंकों के ऊपर ऑब्लिगेशन डाल दी कि जितना भी लोन देते हैं उसका फोर्टी परसेंट पीएसएल में ही जाना चाहिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ही जाना चाहिए समझे इस बात को और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर कुछ लोगों को रखा

अगर ये पता होता आपको तो एग्रीकल्चर आपको समझ में आ जाता कि यह बिल्कुल इनको लोन नहीं मिलता होगा और ये सही होगा एमएसएमई क्योंकि माइक्रो एंड स्मॉल है तो इनको भी लोन किसी भी तरह से नहीं मिल सकता है अगर बिज, बिग बिजनेसमैन अप्रोच करेगा तो उसको लोन मिल जाएगा तो ये भी होंगे वहां पर और वीकर सेक्शन तो होंगी क्योंकि वो वीक है तो आंसर क्या होगा दी अब पूरी कहानी का सार समझ में आया संभरी समझ में आई कि प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग का कॉन्सेप्ट अगर पता होता तो इस सवाल में हमको अगर ये फैक्ट्स नहीं पता होते एग्रीकल्चर एमएसएमई एस एम ई अगर वीकर सेक्शन एग्जैक्ट याद नहीं होते तो भी ये सवाल लग जाता ये चीज़ समझ आई आपको तो प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिखिए येस और नो आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो फिर मैं ये सीरीज बंद कर दूंगा क्योंकि पार्टिसिपेशन की विदाउट ये सीरीज तो वेस्ट है ना अगर आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है तो फिर मेरा यहाँ पर करने से कोई फायदा नहीं तो पार्टिसिपेट कीजिए आई रिक्वेस्ट यू कि पार्टिसिपेट जरूर कीजिए 2012 यूपीएससी दिस दिस क्वेश्चन इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन और ये येप्ट का गेम है विच मेजर्स वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकॉनमी तो मनी सप्लाई इकॉनमी में इंक्रीज हो जाए ऐसे कौन से मेजर्स लिए जाएं परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाई द सेंट्रल बैंक डिजिट ऑफ करेंसी इन द कमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक बोर्विंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक ऑप्शन आप देखिए पॉज करके एक बार देख लीजिए ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन होगा आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसका आंसर दीजिए बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आप पॉज करके सोच सकते हैं मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है है ना अब आप पहला ऑप्शन देखिए या आप दूसरा ऑप्शन देखिए डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक तो पब्लिक ने बैंकों में जाकर अपना पैसा जमा करवा दिया तो पब्लिक ने बैंकों में गए और अपना पैसा डिपॉजिट डिपॉजिट करा दिया ऑफ करेंसी इन द कमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक जब बैंकों में पैसा जमा करवा दिया तो लोगों के हाथ में पैसे कम होंगे या ज्यादा कम होंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम होगी या ज्यादा कम हो जाएगी क्योंकि लोगों ने अपना पैसा जमा करवा दिया बैंक में और पूछा क्या है कि इंक्रीज होना चाहिए डिक्रीज नहीं तो ऑप्शन नंबर टू इज रॉन्ग ऑप्शन पल्ले पड़ा कुछ तो मनी सप्लाई इंक्रीज करना है इकोनॉमी में लेकिन बैंकों में लोगों ने जाकर अपना पैसा जमा कर दिया तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो गई तो ऑप्शन बी एंड डी आर एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट ठीक है और आपको ए और सी चेक करना है जल्दी करने के लिए हम हमेशा एलिमिनेशन टेक्निक लगाते हैं सभी ऑप्शन को चेक करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगी लेकिन मैं आपको चेक करके बताऊंगा ये क्यों गलत है, तो C, इन दोनों में से कोई सही है। लेकिन वन एकदम सही है क्योंकि दोनों में है तो केवल थ्री को चेक करना है ऐसे करते हैं थ्री क्या है बोरविंग बाई द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक तो सेंट्रल बैंक ने सेंट्रल बैंक से गवर्नमेंट यानी सेंट्रल बैंक कौन है अपना आरबीआई आरबीआई से गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया तो ने गवर्नमेंट को पैसा दिया लेकिन ये गवर्नमेंट पैसा लेके करती क्या है तो गवर्नमेंट बहुत ढेर सारा खर्चा करती है तो गवर्नमेंट जब भी लोन लेती है खर्चे करने के लिए लेती है ठीक है क्योंकि डेवलपिंग नेशन की यही कहानी है हम एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा करते हैं हमारे पास जितना रेवेन्यू आता उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं इसलिए हमेशा हम डेफिसिट में होते हैं फिजिकल डेफिसिट रेवेन्यू के डेफिसिट हैं हम पढ़ेंगे तो आरबीआई से लोन लिया गवर्नमेंट ने किस परपज के लिए लोगों को पैसे देने के लिए एक्सपेंडिचर करने के लिए तो मनरेगा में लोगों को पैसे दिए तो लोगों के हाथ में लोगों ने काम किया मनरेगा में लोगों के हाथ में पैसे आए तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी या डिक्रीज इंक्रीज होगी क्यों क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ढेर सारा खर्चा कर रही है तो ऑप्शन थ्री एकदम करेक्ट ऑप्शन है तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा सी वन एंड थ्री ओनली तो ऐसे जल्दी करके आपने कॉन्सेप्ट समझाने में टाइम लगा वहां पर टाइम नहीं लगेगा आपने तुरंत देखा और तुरंत ऑप्शन एंड टिक किया और आप आगे बढ़ गए है ना लेकिन यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि पहला क्यों सही है पहला सही है ना तो परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक तो सेंट्रल बैंक से तो परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक तो सेंट्रल बैंक ने पब्लिक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद ली जी सेक जब हम जी सेक हमें कहते हैं उन्हें है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पब्लिक से खरीद ली सेंट्रल बैंक ने तो सेंट्रल बैंक ने जब वो बॉन्ड का पेपर जिसे हम बॉन्ड भी बोलते हैं वो बॉन्ड का पेपर खरीदा तो उसके बदले में उसका अमाउंट पब्लिक को दिया तो भाई आपने सेंट्रल बैंक ने पब्लिक से पैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ली तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लेने के बाद उसको डिस्काउंट करके गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक ने पब्लिक को पैसा दिया पब्लिक को पैसा दिया यानी पब्लिक के पास पैसा आया तो इकॉनमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई है ना इसलिए ऑप्शन ये पहला एकदम सही है है तो ठीक है? और ये चौथा क्यों गलत है सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक तो सेंट्रल बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पब्लिक को बेच दी तो पब्लिक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दी तो पब्लिक ने सेंट्रल बैंक को पैसे दिए अब पब्लिक ने पैसे दे दिए सेंट्रल बैंक को तो पब्लिक के हाथ में पैसे कम मनी सप्लाई कम इकोनॉमी में हो गई और हैंस ये चौथा गलत ऑप्शन हो गया तो आंसर क्या है इसका वन एंड थ्री चारों एक्सप्लेन कर दिए मैंने पर जरूरत थी केवल अगर हम वन एंड थ्री चेक कर लेते तो भी ऑप्शन से ये सवाल लग जाता इसे बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक भी लगाना कॉन्सेप्ट भी लगाना ठीक है तो ऐसा सेपरेट आइसोलेशन में कुछ नहीं चलता कॉन्सेप्ट भी होगा एलिमिनेशन टेक्निक भी साथ में लग जाएगी कॉमन सेंस भी साथ में लग जाएगा ठीक है तो 2012 का ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था

इस स्लाइड को रोकने के लिए कौन सा स्टेप नहीं लेना चाहिए तो डिप्रिशिएशन हो जाए इसको डिप्रिशिएशन ना हो इसके लिए कौन से स्टेप नहीं लेने चाहिए तो अगर हम यह देख लें कि हो रहा है तो उसके लिए कौन से स्टेप उसको रोकने के लिए कौन से स्टेप लेने चाहिए तो हमें यह पता चल जाएगा कौन से स्टेप नहीं लेने चाहिए इसीलिए ये लोग लग नोट लगाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए है ना अब ये डिप्रिशिएशन hmm. समझ लेते हैं पहले ये डिप्रिशिएशन क्यों क्यों ऐसा हो रहा है इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं एक डॉलर मान लीजिए इकहत्तर रुपया के बराबर है और एक डॉलर पहुंच गया पचहत्तर रुपया के बराबर ये ऐसा स्लाइड हुआ क्यों इसका रीजन क्या है देखिए दो चीजें होती हैं डिमांड एंड सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई अब किसी भी प्रोडक्ट की बात करें अगर उसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो उसके प्राइस ज्यादा ही होंगे है ना इन कंपेरिजन टू दिस अगर आप यही चीज यहां पर अप्लाई करें कैसे अगर इकॉनमी में जब डॉलर बढ़ेगा रुपया के मुकाबले यहां पर रुपया है और यहां पर डॉलर है जब भी इकॉनमी में डॉलर बढ़ेगा रुपया के मुकाबले तो डॉलर की सप्लाई इंक्रीज होगी तो रुपया क्या होगा एप्रीशिएट होगा समझ रहे हैं इस बात को और जब भी डॉलर के मुकाबले रुपया की सप्लाई बढ़ेगी तो रुपया डिप्रीशिएट होगा क्योंकि सप्लाई अगर बढ़ रही है तो या तो रुपया की सप्लाई बढ़ जाए तो उससे क्या होगा रुपया डिप्रीशिएट होगा या तो डॉलर की कमी हो जाए डॉलर और कम हो जाए इकॉनमी में उससे भी डेप्रीशिएट होगा रुपया ये चीज समझ आई तो इस चीज को रोकना है स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी यानी डिप्रीशिएशन को रोकना है अगर डिप्रीशिएशन को रोकना है स्टॉप करना है तो कौन से मेजर्स लेने चाहिए अगर यह पता है तो नहीं लेने चाहिए तो हम पता कर लेंगे तो स्टॉप करना है डिप्रिशिएशन अब पहला ऑप्शन पढ़िए आप करबिंग इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट जब भी हम इंपोर्ट्स को कट करेंगे एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे तो डॉलर की सप्लाई इंक्रीज होगी इकोनॉमी में जब भी डॉलर की सप्लाई इंक्रीज होगी तो रुपया क्या होगा एप्रीशिएट होगा डिप्रीशिएट नहीं होगा तो पहला तो स्टेप लेना चाहिए यहां पर नॉट पूछा है तो ये गलत ऑप्शन है इस क्वेश्चन के हिसाब से क्योंकि नॉट पूछा है तो अगर रुपया को एप्रिशिएट करना है या डिप्रीशिएट होने से रोकना है तो ये कर्बिंग इंपोर्ट्स करना चाहिए इंपोर्ट्स को कब करना चाहिए और एक्सपोर्ट्स प्रमोट करना चाहिए क्योंकि डॉलर इकोनमी में आएगा

तीसरा क्या है ईजिंग कंडीशन रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल तो एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरविंग और ज्यादा हो सके इसके लिए हम कंडीशंस को ईज कर दें तो लोग ज्यादा बॉरो करेंगे फॉरेन से है ना एक्सटर्नली बॉरो कर बॉरो करेंगे तो एक्सटर्नल जब बॉरो करेंगे लोग ज्यादा तो इकोनमी में डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो रुपया अप्रीशिएट होगा तो ये स्टेप ये स्टॉप अब ये स्टेप तो ले सकते हैं हम अगर रुपया का डिप्रीशिएशन रोकना है तो ये स्टेप ले सकते हैं पूछा है कौन सा नहीं ले सकते हैं तो ये भी गलत ऑप्शन है के के मतलब तो अपना जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है उसको कम कर देगा तो बैंक क्या करेगा लोगों को लैंड बहुत ढेर सारा करेगा और मार्केट में इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी यानी मार्केट में रुपया इंक्रीज होगा और मार्केट में जब रुपया इंक्रीज होगा डॉलर के मुकाबले तो रुपया क्या होगा डिप्रीशिएट होगा तो भैया ये स्टेप आपने ले लिया तो को रोक नहीं पाएंगे और यही पूछा है कि किस मेजर से नहीं रुकेगा तो आंसर क्या हो गया डी ऑप्शन इज एकदम करेक्ट समझ आया ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था पर मैंने कोशिश की समझाने की आपको समझ आया तो आज हमने चार क्वेश्चंस लगाए हैं समझ आ रहे हैं आपको आंसर क्या है डी तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियोस को लाइक कीजिएगा हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर टेलीग्राम पर कनेक्ट हुई वहाँ से आप पी भी डाउनलोड कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही थैंक यू नमस्ते जय हिंद